नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564309906089752384455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यहाँ पे हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कर लेंगे अपना यूपीपीएससी क्विज का। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच आर द टॉप थ्री कंट्रीज इन द रिसेंटली रिलीज्ड ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2022। ठीक है, तो ब्रांड फाइनेंस एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन्होंने जो है लगभग कई सारे देशों में बहुत सारे जितने भी कह लीजिए पब्लिक ओपिनियन लिए, उसके बेस पे ये जो ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स होता है इसको प्रिपेयर किया था है। ठीक है, सर्वे बेस्ड एक इंडेक्स है। तो सॉफ्ट पावर से मतलब ये होता है कि किसी नेशन की जो है एबिलिटी क्या है दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं इंटरनेशनल एरिना में, चाहे वो कोई स्टेट हो, कॉरपोरेशन हो, कम्युनिटी हो, इवन पब्लिक है ना, तो उनके प्रेफरेंस में जो इन्फ्लुएंस आता है, मतलब जो सॉफ्ट पावर के रूप में कंट्रीज कह लीजिए जो है ना, वो उनके प्रेफरेंस में इन्फ्लुएंस ला सकते हैं, उनके बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं। ठीक, तो ये सिर्फ जो है एक अट्रैक्शन के माध्यम से होता है, ना कि किसी दबाव में। तो इस संबंध में सॉफ्ट पावर को आप समझते हैं, और इस रैंकिंग में जो टॉप थ्री कंट्रीज हैं ये यूएस, यूके एंड जर्मनी। ठीक है, अब इसमें कौन सा पेयर जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कुछ इंस्टीट्यूट हैं, उनकी लोकेशन बतानी हमको। ऑप्शन ए ही गलत है, ईंधन अनुसंधान संस्थान जो है दिस इज इन धनबाद झारखंड। लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना इसमें से कौन सी थी। ठीक है, तो लॉर्ड डफरिन का जो टाइम पीरियड आप देखते हैं एज ए वायसराय इंडिया में 1884 to 88। ठीक, तो इसमें इवेंट्स में हम देखेंगे तो जो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये कब हुआ था फॉर्मेशन, जो है डेट एग्जैक्ट आपको पता होनी चाहिए, 28 दिसंबर 1985। ठीक, एलन ऑक्टोवियन ह्यूम जो थे इनके द्वारा ये मुंबई में इसको एस्टैब्लिश किया गया एज अ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक, और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे 1885 के जो फर्स्ट सेशन के प्रेसिडेंट रहे कांग्रेस के, उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, एंड दिस सेशन वाज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स। ठीक, तो ये सब बेसिक फैक्ट्स को ध्यान रखना है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अबुल कलाम आजाद जो है ये जो है लगभग 35 वर्ष के थे जब पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। आपको वो वर्ष बताना है कि कब ये जो है प्रेसिडेंट बने थे। अगला देखिए कि स्ट्रोम्बोली एक क्या है इनमें से। ठीक है, तो ये एक एक्टिव वोल्केनो है, इटली कंट्री जो है उसके नॉर्दर्न एरिया में एक लिप्री आइलैंड है ना, वहां पे स्थित है। ऑप्शन बी को चुनेंगे। अफीम का वास्तविक नाम क्या है। ठीक है, ओपियम के बारे में आप पढ़ते होंगे कि जो एक सिडेटिव प्रोडक्ट होता है, तो इसका ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, पेपेवर सोमनी फेरम। कुछ यहाँ पे माउंटेनियस पासेज हैं, तो नाथुला अरुणाचल नहीं सिक्किम में है। ठीक, जलेपला नाथुला ये सब सिक्किम में है, बाकी के सब ठीक है, देख लें इसको एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है। ठीक है, टोडा ट्राइब के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, तो जो नीलगिरी माउंटेन्स हैं है ना, नीलगिरी हिल्स, यहाँ पे इनका मूल निवास पाया जाता है। इसमें सी ऑप्शन को चुनेंगे हम। इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल मूर्ति कला का तीर्थ कहलाता है। ठीक है, पिलग्रिमेज ऑफ स्कल्पचर्स, तो यहाँ पे खजुराहो जो है मध्य प्रदेश में हिंदू और जैन टेम्पल्स के लिए काफी फेमस है, नागराज स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है उसके बारे में आप पढ़ते होंगे। ठीक, तो इसमें से बी ऑप्शन को चुनेंगे हम। 2022 में उत्तर प्रदेश के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री प्रदान किया गया था। ठीक है, तो पद्म अवार्ड्स जो मिले थे 2022 के, तो उसमें पद्मश्री जो मिला ये मिला था 9 लोगों को। ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके अलावा 2 जो है पद्म विभूषण मिले थे, कि किसको किसको, राधेश्याम खेमका और कल्याण सिंह जी को। ठीक है, मरणोपरांत, और 2 पद्म भूषण भी मिले थे। ठीक,
इनके नाम भी जो है राशिद खान थे एक, और दूसरे थे वशिष्ठ त्रिपाठी। ठीक, तो ध्यान रखेंगे टोटल अगर हम जोड़े तो 9 4 13। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है? ठीक है, तो इधर देखेंगे तो ये लूनी नदी इसमें नहीं होगा, बाकी 1 2 3 ऑप्शन हमारे जो है ये करेक्ट हो जाएंगे। एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है यूपीपीएससी आयोग का, कई बार पूछा जाता है कि भोपाल गैस दुर्घटना जो हुई थी दिसंबर 1994 में, तो उसकी उसका कारण क्या था? ठीक है, तो यहाँ पे यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी जिसमें से मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है एक जहरीली गैस जो है इसका रिसाव हो गया, तो बहुत सारे लोगों की इसमें जान चली गई थी, आपको पता होगा। ठीक, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? ठीक है, तो जो ये एलजेब्रा पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो भास्कर जी का जो है नाम आता है। ठीक, जाम्बेजी तथा लिम्पोपो नदी निम्न में से किस सागर में गिरती हैं? ठीक है, तो ये दो जो रिवर्स हैं अफ्रीका की, ये इंडियन ओशन में जो है यहाँ पे आती हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत इनमें से कौन सा देश नहीं आता है? ठीक है, तो यहाँ पे ईस्टर्न मार्जिन में आपने अगर अफ्रीका का मैप देखा होगा है ना, तो जो ये हॉर्न वाला जैसा शेप एक बनता है, तो इसमें 4 देश शामिल हैं जिनको कि आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानते हैं, जिसमें जिबूती है, सोमालिया, इथोपिया है ना, और वो है इरीट्रिया। ठीक, नाइजीरिया यहाँ पर गलत दिया हुआ है, इसका एक शॉर्टकट भी है सीड करके है ना, तो 4 देश इसमें कवर हो जाते हैं, सोमालिया, इथोपिया, इरीट्रिया और जिबूती। हाउसा, फुलानी, येरुबा है ना, ये 3 जो है निम्न में से किस देश की प्रमुख जनजातियां हैं? ठीक है, ट्राइबल्स हैं, तो इंटरनेशनल ट्राइब्स भी आपसे पूछी जाती हैं, ध्यान रखेंगे, तो ये अफ्रीका की जो है ये भी नाइजीरिया से संबंधित है। हाल ही में किस देश की टीम ने FIH जूनियर वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप जो है 2022 का इसको जीता है? ठीक है, तो ये जीता था नीदरलैंड ने, इसका जो है ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे हुआ था जरा ये बताइए। तो एक पुस्तक अभी हाल ही में आई थी हियर योरसेल्फ, ठीक, तो इसके लेखक का नाम बताना है आपको, तो ये है प्रेम रावत। निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक परिषद का सदस्य नहीं है? ठीक है, आर्कटिक काउंसिल की बात हो रही है, तो आर्कटिक रीजन के 8 देश जो हैं इसमें मेंबर हैं आर्कटिक काउंसिल के, जो कि कौन कौन से हैं, कनाडा है, डेनमार्क, ठीक है, तो यहाँ से हमें डेनमार्क मिल जाएगा, फिनलैंड है, आइसलैंड है, और जो है नॉर्वे, स्वीडन, रशिया, ठीक है, तो ये रशिया यहाँ से मिल जाएगा हमें, और US, ठीक, तो 1 3 5 है ना, ऑप्शन डी। IQ एयर के द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर इनमें से कौन सा है? ठीक है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में है ना, वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, तो ये राजस्थान का भिवाड़ी शहर जो है ना ये है, इसके बाद यूपी का गाजियाबाद था, और अगर मोस्ट पोल्यूटेड सिटी सॉरी कैपिटल की बात करें वर्ल्ड में तो वो न्यू दिल्ली था इसमें। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इन सबको। हाल ही में जारी UNEP वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा जो शोर वाला शहर है यानी कि नॉइस पोल्यूशन वाला शहर कह लीजिए, ठीक है, वो कौन सा है? तो यहाँ पे ये रिपोर्ट कौन जारी करता है ये भी ध्यान दीजिएगा, UNEP की रिपोर्ट है, और इसमें सबसे ज्यादा ये नॉइस पोल्यूशन है ढाका में यानी कि बांग्लादेश में। ठीक, और इसमें जो है यहाँ क्या नाम है, इंडिया के भी 5 शहर थे, आसनसोल था, जयपुर, कोलकाता, न्यू दिल्ली और मुरादाबाद यूपी का। ठीक, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अभी मुरादाबाद के बारे में बताया आपको, तो इसमें बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की रैंकिंग जो है वो कौन सी थी, तो ये थी जो है 2nd। हाल ही में केंद्र सरकार ने सुजलाम 2.0 अभियान लॉन्च किया है जो निम्न में से किस विषय से संबंधित है? ठीक है, तो ये संबंधित है जो ग्रे वाटर मैनेजमेंट है ना, इससे ये कब स्टार्ट किया गया था सुजलाम जरा ये बताइए। तो विश्व में पाम ऑयल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? ठीक है, तो ये है इसमें इंडोनेशिया।
जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत था, ठीक है। तो सेंसस का डेटा अभी 2011 वाला ही फॉलो करना पड़ेगा, नया डेटा आया नहीं है हमारे पास। तो ये था 16.51%, ठीक है, ऑप्शन ए। लगभग आपको पता ही होगा कि हमारी जो है 19,98,00,000 के आसपास जो है टोटल जनसंख्या थी। अब सेंसस के क्वेश्चंस कई सारे हम अभी नीचे देखेंगे, तो उसमें बताना है कि उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो ये था आपका महोबा, ठीक, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसमें जो है लगभग 8,75,000 के आसपास की कुल जनसंख्या थी, ठीक है, 2011 के सेंसस में। अब यूपी में ही नगरीय जनसंख्या जो है वो कुल कितने प्रतिशत है जो टोटल जनसंख्या है यूपी की, ठीक है। अर्बन पॉपुलेशन की बात करेंगे तो ये डेटा था 22.27%, ठीक है। ये देखिए डेटा है, आपको याद करना पड़ेगा ऐसे ही, ठीक है। अभी भी खैर इस साल के लिए तो यही डेटा चलेगा आपका, तो ध्यान रखेंगे इसको। अब ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बताना है, तो शहरी अगर आपको पता है तो ग्रामीण भी पता होगा, 100 में से उसको घटा लेंगे, ठीक है, तो 77.73। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रयागराज जो अब हो गया है, पहले इलाहाबाद के नाम से आप जानते हैं इसको, ठीक है। तो लगभग 5,95,000 के आसपास की टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे, तो उसका सब ज़्यादा प्रतिशत जो है वो ग्रामीण ही है, तो सबसे ज़्यादा जो है रूरल पॉपुलेशन है इस डिस्ट्रिक्ट में। अब इसी में देखेंगे कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला जो है वो कौन सा है, ठीक है। तो इस मामले में जो है ये था आपका श्रावस्ती, ठीक। अब यूपी का ही जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी इस सेंसस में, तो ये थी 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है, तो ये है आपका गाजियाबाद, ठीक है। इसमें डेटा था ये लगभग 3,967 है ना व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर जो है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए। अब न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, तो ये है आपका ललितपुर, ठीक है। इसमें अराउंड जो है 242 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर थे, ऑप्शन बी। अब यूपी की साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट की बात करें तो ये आपका इस सेंसस में था 67.70%। पुरुष साक्षरता दर की अगर बात करें, मेल लिटरेसी, तो ये जो है आपका ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, है ना, अराउंड 77.30% था ये। फीमेल लिटरेसी की बात कर लें अगर महिला साक्षरता की, तो ये 57.20, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हम यूपी के रेफरेंस में ही देख रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे इसको। यूपी का ही न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला जो है वो कौन सा है, यानी कि लोवेस्ट लिटरेसी रेट अगर हम देखें, तो सबसे ज्यादा कम थी श्रावस्ती में, ठीक है। यहाँ पे लगभग 46.74% के आसपास की पॉपुलेशन जो है वो लिटरेट है। अब सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला जिला अगर देखें, हाईएस्ट लिटरेसी रेट जिसमें है, तो दिस वाज इन गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, 80.12% के आसपास जो जनता है वो यहाँ पे जो है लिटरेट है। अगर मेल लिटरेसी की बात करें, हाईएस्ट, ठीक है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर, तो ये भी जो है गौतम बुद्ध नगर में ही थी, ऑप्शन बी। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर की अगर बात करें, ठीक है, तो ये सबसे कम तो यहीं पर थी श्रावस्ती में। श्रावस्ती में जो है ओवरऑल मेल और फीमेल है ना, सारी की सारी जो लोवेस्ट है ना लिटरेसी रेट, ये यहीं पे है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर की अगर हम बात करें, तो पुरुष में तो गौतम बुद्ध नगर था, महिलाओं में कानपुर जो सिटी है ना, दो डिस्ट्रिक्ट है ना, कानपुर देहात और कानपुर शहर, ठीक, तो ये वाला था। या न्यूनतम की महिला साक्षरता दर अभी हमने बताया आपको, ये जो है श्रावस्ती में था ये भी। अब यूपी का ही सेक्स रेशियो यानी कि लिंगानुपात हमको बताना है ये कितना था, तो ये 912। हाईएस्ट सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है कौन सा है, तो ये आपका था जौनपुर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आंकड़ा ये जो था 1024, इसके बाद आजमगढ़ था, फिर देवरिया, प्रतापगढ़, है ना।
किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात है यानी कि मिनिमम सेक्स रेशियो की अगर हम बात कर लें तो ये था गौतम बुद्ध नगर में, दिस वॉज अराउंड 851। ठीक, इसके बाद जो है लिस्ट में ही अगर हम बात करें तो फिर हमीरपुर था, बागपत, कानपुर सिटी, है ना। नेक्स्ट इज चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात कर ले हम यूपी में तो ये था 902। उत्तर प्रदेश के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत जो है वो बताना है इसी सेंसस के हिसाब से, तो ये था शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन हमसे पूछ रहे हैं तो ये जो है 20.70 इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये यूपी के रेफरेंस में है। अगर हम ओवरऑल पूरे इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलस एससी पॉपुलेशन है वो यूपी में ही है, वो 16.6% है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है यूपी का जहाँ पे सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन है वो सीतापुर में है, और सबसे कम जो थी वो बागपत में थी। इस क्वेश्चन का आंसर अभी आपको बता ही दिया, ये सीतापुर में जो है सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम की हम बात कर लें तो ये बागपत में है एससी पॉपुलेशन। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे, सारे फैक्ट्स को देख लें प्लीज़, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका रिवीजन भी इससे एक अच्छा खासा यूपी के रेफरेंस में हो जाएगा सेंसस का। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।